नमस्कार, मैं हूं शिवानी बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नड्डा पहुंचे पटना, बिहार भाजपा ने किया भव्य स्वागत। अब इस जिले में भी मिला मंकी पॉक्स का संदिग्ध। बिहार में शूट करने को लेकर बोले संजय मिश्रा। नवसृजित इकाइयों में शिक्षक नियोजन का शेड्यूल हुआ जारी। मार्टिन गपटिल को पछाड़ रोहित शर्मा ने हासिल किया नया मुकाम। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नड्डा पहुंचे पटना, बिहार भाजपा ने किया भव्य स्वागत। बिहार में भाजपा की आज से 2 दिवसीय ऐतिहासिक बैठक की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें देश भर से भाजपा के सभी 7 मोर्चा के करीब 700 नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना आए। बिहार भाजपा ने उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की थी। एयरपोर्ट पहुंचते ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल उनका गुलदस्ते के साथ स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, शाहनवाज हुसैन, रविशंकर प्रसाद, ऋतुराज सिन्हा समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। पटना एयरपोर्ट से जेपी नड्डा का काफिला रवाना हुआ, जहां से बीजेपी अध्यक्ष ने रोड शो किया। ये रोड शो पटना के गांधी मैदान के जेपी गोलंबर तक किया गया। नेत्रहीन बच्चों के आवासीय स्कूल को लेकर हाई कोर्ट का निर्देश। नेत्रहीन बच्चों को आवास और शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों की स्थापना से संबंधित लोकहित याचिका पर बीते दिन हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को 4 सप्ताह में हलफनामा देने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राजीव कुमार रंजन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हलफनामे द्वारा इन संस्थानों की स्थापना एवं कामकाज की वस्तु स्थिति स्पष्ट कराएं। इस मामले पर अगली सुनवाई 29 अगस्त 2022 को की जाएगी। अब इस जिले में भी मिला मंकी पॉक्स का संदिग्ध। कोरोना का खतरा कम हुआ नहीं कि अब मंकी पॉक्स के संदेहास्पद संक्रमण के खतरे ने आम लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में भी हलचल पैदा कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजधानी पटना में सबसे पहले मंकी पॉक्स संक्रमण संदिग्ध महिला मिली, इसके बाद वैशाली और अब एक मंकी पॉक्स संदिग्ध मामला गया जिले से सामने आ रहा है। बताया जाता है कि 21 वर्षीय मंकी पॉक्स के संदिग्ध युवक के अस्पताल पहुंचते ही वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। फतेहपुर स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी ने सिविल सर्जन को मौखिक रिपोर्ट दी है। फिलहाल संदिग्ध मरीज को अन्य मरीजों से अलग रखा गया है। वहीं पहले मिले मामलों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है कि वास्तव में वो इंसान मंकी पॉक्स संक्रमित है या फिर आमतौर पर चिकन पॉक्स संक्रमित है। रिपोर्ट जांच के लिए पुणे भेजी गई है। इन जिलों में 20% भी नहीं हो पाई धान की रोपनी। इस साल के मॉनसून ने बिहार वासियों को खूब तरसाया है। पर्याप्त से कम हुई बारिश की वजह से इस बार धान की फसल बर्बाद हो रही है। वहीं अनुमान से आंकड़ों की माने तो प्रदेश में इस बार 20% कम धान की रोपनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर लोगों की आस टिकी है कि अभी भी 2 अगस्त के आसपास बिहार के अधिकतर जिलों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि दिन ब दिन बारिश नहीं होने की वजह से किसानों के हाथ बस निराशा ही लगी है। आंकड़ों की माने तो पिछले वर्ष 28 जुलाई तक 98% से ज्यादा रोपनी हो चुकी थी। इस वर्ष 29 जुलाई तक यह आंकड़ा 48% भी नहीं पहुंच पाया है। आपको बताते चले कि औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, अरवल, बेगूसराय, जहानाबाद, कैमूर एवं नालंदा जिले में 20% भी रोपनी नहीं हो पाई है। बोधगया पहुंचे सिक्किम सीएम, अपने फंड से बनवाएंगे भव्य मंदिर। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग आज विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर पहुंचे, जहां महाबोधि मंदिर के मुख्य पुजारी भिक्षु चालिंदा और सिक्किम मंदिर के मुख्य पुजारी ने पवित्र खादा देकर उनका स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर भगवान बुद्ध के समक्ष पूजा अर्चना की। वहीं बोधि वृक्ष के पवित्र छांव में पहुंचकर कुछ देर ध्यान साधना किया। लगभग 40 मिनट तक पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने मंदिर के बाहर निकले। इस दौरान सिक्किम के मुख्यमंत्री ने कहा कि सिक्किम सरकार चाह रही है कि बोधगया में भी अपना एक मंदिर हो, इसके लिए बिहार सरकार से बातचीत चल रही है। बहुत जल्द ही सिक्किम का भी एक बड़ा सा मंदिर बोधगया में होगा। बिहार में शूटिंग करने को लेकर बोले संजय मिश्रा। बिहार से ताल्लुक रखने वाले संजय मिश्रा अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है, आज उन्हें पूरा देश जानता है। वहीं बिहारियों में खास बात यह है कि चाहे वो किसी भी क्षेत्र में बुलंदियां छू लें, लेकिन अपनी जमीन से अपने जन्म स्थान से जुड़े रहते हैं। यही क्वालिटी संजय मिश्रा में भी है। इसी कड़ी में एक एड शूट के लिए राजधानी पटना पहुंचे संजय मिश्रा ने कहा कि अगर अपने नगर में वह फिल्मों की शूटिंग के लिए आते हैं तो उसका अलग मजा होता है। जब आप अपने शहर में शूटिंग कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ बड़ा हासिल कर लिया हो। मैंने 2-3 फिल्में शूट की हैं और एड भी कर रहा हूं। संजय मिश्रा ने कहा कि अपने घर बिहार आकर बहुत अच्छा लगता है। नवसृजित इकाइयों में शिक्षक नियोजन का शेड्यूल हुआ जारी। वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, जिनका छठे चरण के शिक्षक नियोजन में वैसे नियोजन इकाई जो पंचायत
से नवसृजित होकर नगर पंचायत या नगर परिषद और नगर निगम बने थे, उनमें काउंसलिंग या नियोजन संबंधित कार्य नहीं हो सका था। ऐसे नियोजन इकाई में आवेदन करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा विभाग ने नवसृजित नगर इकाइयों में नियोजन संबंधित गतिविधि के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक मेधा सूची का प्रकाशन 8 अगस्त तक, मेधा सूची पर आपत्ति 12 अगस्त तक, मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन आपत्ति का निराकरण करते हुए 18 अगस्त तक करना होगा, फिर नगर निकाय के मेधा सूची का अनुमोदन 20 अगस्त और उसका सार्वजनिकरण 24 अगस्त को करना होगा, उसके बाद 7 सितंबर से 10 सितंबर तक चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना होगा। आज से अगले 2 अगस्त तक मॉनसून हो सकता है बिहार पर मेहरबान। प्रदेश में आज से 2 अगस्त तक झमाझम बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक अगले 24 घंटे में विशेषकर उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश के आसार हैं। इधर पटना के ठीक ऊपर से मॉनसून की ट्रफ लाइन गुजर रही है। यह लाइन पटना के ऊपर से शाम को जैसे ही आई, वैसे ही पटना शहर में आधा घंटे से अधिक समय तक झमाझम बारिश हुई। शाम को ही बारिश ने पूरे शहर को भिगोया। इससे शाम को मौसम खुशगवार हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। IMD पटना के मुताबिक शुक्रवार को 40 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा बयान। झारखंड के बाद अब बिहार में भी कुछ उर्दू माध्यमिक विद्यालय में रविवार की जगह शुक्रवार को दी जा रही छुट्टी का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले पर खुद NDA 2 गुट में बट गई है। इस बीच राज्य के डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राज्य में सभी स्कूलों के लिए एक मापदंड होगा और इस संबंध में शिक्षा विभाग जल्द उचित निर्णय लेगा। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जो भी नियम सम्मत होगा वह किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि जहां जहां से खबर आई है वहां के स्थानीय अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है, हम देखेंगे कि स्कूल कब से किस नियम के तहत बंद हो रहे हैं। वहीं डिप्टी CM ने कहा कि भारत सरकार हो या बिहार सरकार के शिक्षण संस्थान, किस अवसर पर या किस दिन अवकाश होगा इसकी नियमावली निर्धारित है जिसका अब तक पालन किया जाता रहा है। सरकार को जो नियम हो वह लागू होगा। तेजस्वी के बयान पर नित्यानंद का पलटवार। राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी भोला यादव के गिरफ्तार होने के बाद पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप जारी है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को लेकर कहा था कि वो राजद में शामिल होना चाहते थे। तेजस्वी के इस बयान पर सियासी गलियारों में खूब बवाल मचा। वहीं अब इस पर पलटवार करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि RJD वंशवाद की पार्टी है, सत्ता में बने रहने के लिए सभी समाज के लोगों को यह पार्टी तोड़ने का काम करती है। राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा झूठा बताया है। अमित शाह के बिहार आगमन को लेकर तेजस्वी यादव ने कसा तंज। भाजपा के बिहार में हो रही 2 दिवसीय बैठक की चर्चा देश भर में है। बिहार में भाजपा की आज पहली बैठक है, वहीं बिहार में भी इस बैठक को लेकर खूब चर्चे हैं क्योंकि यह बैठक भाजपा के लिए बेहद खास है। देश भर से भाजपा के सातों मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। ऐसे विपक्षों के कान भी खड़े हैं। एक दूसरे पर तंज कसने और बयानबाजी की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अमित शाह के बिहार आगमन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने हमले के अंदाज में कहा कि BJP के कई दिग्गज नेता पहले भी आए हैं, इससे बिहार को कोई फायदा हुआ है क्या? भाजपा के 2 दिन तो जदयू करेगी 5 दिन बैठक। बिहार में एक और जहां BJP के सभी 7 मोर्चों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू है, वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी सभी प्रकोष्ठों की बैठक आज से शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज अनुसूचित जाति और चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक है। यह बैठक 7 अगस्त तक चलेगी, जिसमें 31 जुलाई को अति पिछड़ा प्रकोष्ठ और तकनीकी प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई है। 1 अगस्त को छात्र प्रकोष्ठ की बैठक होगी, 2 अगस्त को किसान प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की जाएगी, वहीं अंतिम बैठक 7 अगस्त को शिक्षा प्रकोष्ठ और व्यवसायिक प्रकोष्ठ की होनी है। बिहार में दर्ज किए गए कोरोना संक्रमण में गिरावट। बिहार में कोरोना के मामले में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अभी भी राजधानी पटना में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, इसके बावजूद दूसरे नंबर पर सुपौल जिला है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार पटना में 82 कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा सुपौल में 38 नए केस मिले हैं। बिहार में कोरोना के कुल मिलाकर 277 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़े के अनुसार राज्य में कुल 111,243 कोविड टेस्ट किए गए थे। इस दौरान 338 मरीज ठीक होकर वापस घर भी लौटे हैं। वहीं देश भर की बात करें तो आज यानी शनिवार को जारी किए गए अपडेट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कुल 20,408 कोरोना मामले सामने आए हैं। दिल्ली देवघर की पहली फ्लाइट से बाबा धाम पहुंचेंगे 3 सुपरस्टार। देश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर देश की राजधानी दिल्ली से बाबा की नगरी देवघर की कनेक्टिविटी बेहतर हो, इसके लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। आपको बता दें कि आज से देवघर एयरपोर्ट का सीधा हवाई कनेक्शन देश की राजधानी नई दिल्ली से जुड़ जाएगा,
जिसके बाद अब दिल्ली और देवघर के बीच सीधा उड़ान सेवा उपलब्ध होगी। आपको बताते चले कि दिल्ली और देवघर के बीच आज से शुरू होने वाली हवाई सेवा की पहली फ्लाइट में भोजपुरी फिल्मों के 3 दिग्गज सुपरस्टार सांसद मनोज तिवारी, सांसद रवि किशन और हाल में सांसद बने दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ साथ पायलट आशुतोष शेखर जो भी बिहार के हैं और को पायलट पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी सहित स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे, शाहनवाज हुसैन इस विमान के यात्री होंगे। वहीं पायलट आशुतोष शेखर के साथ उनकी पत्नी श्वेता रंजन भी इस विमान में सफर करेंगी। मार्चिंग कपचील को पछाड़ रोहित शर्मा ने हासिल किया नया मुकाम। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने शुक्रवार 29 जुलाई को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले गए 5 मैचों की T20 सीरीज में पहले T20 मुकाबले में शानदार अर्धशतक की पारी खेली। उन्होंने 44 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 64 रनों की पारी खेली। इस पारी के बाद रोहित शर्मा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड के मार्टिन गपटिल को पीछे छोड़ते हुए रोहित शर्मा अब क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप यानी T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा के नाम 129 मैचों में 3443 रन हो गए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 27 अर्धशतक और 4 शतक भी निकले हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, प्रशांत कुमार, रामवरण सहनी, महेश दास, धनंजय सिंह, संजीत कुमार, सुमन, योगेश कुमार, राजकुमार प्रसाद, राकेश कुमार, मुन्नी राम, राकेश कुमार और जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि भारतीय क्रिकेट टीम में आपके सबसे पसंदीदा बल्लेबाज कौन से हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।